दूर खड़े हो, बताए दूर खड़े हो, थोड़ा पीछे शिष्टाचार आता है नहीं, कैसी बात कर रहे। अराजकता पैदा करने और सांप्रदायिक विद्वेष की स्थिति पैदा करने का जो कुत्सित प्रयास हो रहा है, यहाँ पे लखनऊ प्रशासन को बहुत गंभीरता से इसको लेना चाहिए। इस प्रकार की किसी भी शरारत को स्वीकार नहीं करना चाहिए। अब पूरे देश में पिछले 5 दिनों से अगर कोई बहस है तो वो एक बहस है कि लुलू मॉल आतंक के पैसे से है, लुलू मॉल मुसलमान के पैसे से है। नमस्कार, मैं शिवांगी, स्वागत है आपका डेली इनसाइडर में। 10 जुलाई से शुरू हुआ उत्तर भारत का सबसे बड़ा मॉल अपने पहले ही हफ्ते से विवादों में घिरा हुआ है और हर दिन एक नए एंगल के साथ ये मामला और भी तूल पकड़ता जा रहा है। दरअसल मॉल के उद्घाटन के 2 दिन बाद मॉल में कुछ लोगों का नमाज पढ़ते हुए वीडियो वायरल हुआ था, जिसके बाद से ही लुलू मॉल सुर्खियों में है, जिस पर कई हिंदू संगठनों और नेताओं ने अपना विरोध जताया है। तो वहीं दूसरी ओर हिंदू संगठन मॉल में हनुमान चालीसा पर शुद्धिकरण का प्रयास करने में भी लगे हैं। इसी क्रम में आज अयोध्या से जगतगुरु परमहंसदास लुलू मॉल में शुद्धिकरण के लिए पहुंचे, लेकिन पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। इससे पहले लुलू मॉल को लुलू मस्जिद बताते हुए अखिल भारत हिंदू महासभा ने सुंदरकांड का पाठ करने का ऐलान किया था। जाएंगे उनको ये लोग जाने देंगे चुप्पे से, और हम जा रहे हैं शांति से। मैं अकेले आया हूँ, मैं सिंगल आया हूँ, इनको क्या आपत्ति है? या तो आप ताला लगा दो, यहाँ कोई नहीं जाए। अगर ये जिहाद का केंद्र है, अगर आतंकवाद का केंद्र है, तो मत जाने दो किसी को। आप नहीं जा पा रहे क्या? आपको रोका जा रहा है क्या? मैं भगवा पहना हूँ ना, इसलिए इनको रोक रहे हैं। अरे तुम दूर चलो, दूर खड़े हो, दूर खड़े हो, बताए दूर खड़े हो, थोड़ा पीछे शिष्टाचार आता है नहीं, कैसी बात कर रहे। इस मामले में सीएम योगी ने लुलू मॉल की हालिया घटनाओं पर कड़ी नाराजगी जताई है। सोमवार को पुलिस प्रशासन के आला अफसरों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में सीएम ने कहा कि लखनऊ में एक मॉल खुला है जो अपनी व्यवसायिक गतिविधियां चला रहा है, उसको राजनीति का अड्डा नहीं बनाना चाहिए। सीएम ने कहा कि अनावश्यक बयानबाजी करना, सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर जनता का आवागमन बाधित करना स्वीकार्य नहीं किया जाएगा। इसके जरिए सांप्रदायिक विद्वेष फैलाने का कुत्सित प्रयास हो रहा है। उन्होंने इस पूरे घटनाक्रम को गंभीरता से लेने और सख्ती से निपटने के निर्देश दिए हैं। लखनऊ में एक मॉल खुला है, वह मॉल अपने व्यावसायिक प्रतिष्ठान को लेकर काम कर रहा है, और उसको लेकर के राजनीति का अड्डा बनाना, अनावश्यक बयानबाजी जारी करना, और उसके नाम पर फिर सड़कों पर प्रदर्शन करके लोगों के आवागमन को बाधित करना, और बार बार लखनऊ के प्रशासन से कहा गया सबके बावजूद भी अराजकता पैदा करने और सांप्रदायिक विद्वेष की स्थिति पैदा करने का जो कुत्सित प्रयास हो रहा है, यहाँ पे लखनऊ प्रशासन को बहुत गंभीरता से इसको लेना चाहिए। इस प्रकार की किसी भी शरारत को स्वीकार नहीं करना चाहिए। सख्ती से ऐसे तत्वों से निपटना चाहिए जो अनावश्यक मामलों को बढ़ावा देकर के माहौल खराब करने का प्रयास करते हैं। बहुत सारे माध्यम हैं, अगर किसी को सूचना लेनी है वे सूचनाएं उन लोगों से जाके ले सकते हैं, लेकिन कोई हस्तक्षेप करके आवागमन को बाधित करेगा। मैंने पहले ही कहा कि सड़कों पर या पूजा के लिए या किसी भी अन्य कार्यक्रम के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए, और इसको किसी भी प्रकार की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। जो शासन ने पहले से व्यवस्था बनाई है उसको हम सख्ती से लागू करें, इन चीजों को तय करें। वहीं समाजवादी पार्टी के नेता अमित जमोई ने कहा कि भाजपा आरएसएस और उससे जुड़े हुए संगठन पहले दंगे प्लांट करते थे, अब योगी मॉडल ने लुलू मॉल में नमाज प्लांट की। मॉल में नमाज का वीडियो पूरे देश में वायरल हुआ, जो कि मुस्लिम समुदाय के लिए एक अलग धारणा बन रहा है। उन्होंने कहा, पहली बार यूपी में किसी बड़ी कंपनी को अपने कर्मचारियों का ब्यौरा सार्वजनिक करना पड़ रहा है, कर्मचारियों का धर्म बताया जा रहा है। उन्होंने कहा, उत्तर प्रदेश में विकास के लिए तोड़ने वाली राजनीति से छुटकारा पाना होगा। उन्होंने कहा, 2024 में भाजपा इसी एजेंडे के जरिए एक बड़ा मुद्दा बनाने की फिराक में है। बीजेपी आरएसएस और उसके जो बगल बच्चा संगठन है, इतिहास में ये है कि ये पहले तो दंगे प्लान करते थे, अब ये योगी मॉडल का एक नया तरीका है कि लुलू मॉल में नमाज प्लांट की गई, क्योंकि जो लोग लखनऊ पुलिस के जरिए पकड़े गए उनका मुस्लिम वर्गों से तो कोई संबंध अभी तक तो आया नहीं है। नमाज प्लांट की गई, उसके वीडियो वायरल हुए, अब पूरे देश में पिछले 5 दिनों से अगर कोई बहस है तो वो एक बहस है कि लुलू मॉल आतंक के पैसे से है, लुलू मॉल मुसलमान के पैसे से है, और पहली बार हम देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में कि किसी मल्टीनेशनल कंपनी को ये बताना पड़ रहा है
कि मेरे यहाँ कंपनी में कितने मुसलमान हैं, कितने हिंदू हैं, कितने सिख हैं, कितने ईसाई हैं, कितने जैन हैं, कितने बुद्ध हैं। मुख्यमंत्री योगी जी, अगर आप सूबे में इन्वेस्टमेंट चाहते हो, अगर आप सूबे में चाहते हो कि विकास हो, तो जब तक आप अपनी ये विघटनकारी तोड़ने वाली जो आपकी राजनीति है इसको आप खत्म नहीं करोगे तो प्रदेश में विकास का माहौल नहीं बनेगा। और 2024 में आप इसके जरिए आपको लगता है कि आप चुनाव जीत लेंगे। आज पूरा प्रदेश महंगाई, गरीबी, हर घर पे आपने 2000 रुपए जीएसटी बढ़ा के हर परिवार पे 2000 का बोझ जो आपने डाला है, 2024 में दूर दूर तक आपके आने का कोई। लुलू मॉल में नमाज पढ़ने आए 9 लोगों में से 4 को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अपर पुलिस उपायुक्त दक्षिणी राजेश श्रीवास्तव ने बताया कि लुलू मॉल में नमाज पढ़ने के मामले में अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। इस मामले में सीसीटीवी से 4 आरोपियों की पहचान भी की गई थी। आज दिनांक 19 जुलाई 2022 को थाना सुशांत गोल्फ सिटी की पुलिस इंस्पेक्टर श्री शैलेंद्र गिरी के नेतृत्व में कार्रवाई करते हुए सर्वेलेंस एवं इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर काम करते हुए इन्होंने दिनांक 14 तारीख को सुशांत गोल्फ सिटी में ही लुलू माल के मैनेजर सिप्तेन हुसैन द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर जो मुकदमा पंजीकृत हुआ था 362/22, उस मुकदमे में अज्ञात अभियुक्तों के खिलाफ पंजीकृत हुआ था, जिन लोगों के द्वारा बिना किसी अनुमति के सार्वजनिक स्थान पर लुलू माल के एक जगह पर नमाज अदा की गई थी। उनके 4 लोगों को सीसीटीवी फुटेज एवं सर्विलांस के तहत चिन्हित किया गया, उनको जिनके नाम क्रमशः मोहम्मद लुकमान, मोहम्मद रेहान, मोहम्मद आतिफ खान और मोहम्मद नोमान है, इनको डिटेन करके जुडिशियल कस्टडी हेतु उचित धाराओं में भेजा गया है। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद शुरू हुए विवाद को देखते हुए लुलू मॉल की तरफ से धारा 135A, 295, 341 समेत कई अन्य धाराओं में मॉल के अंदर नमाज पढ़ने वालों पर FIR दर्ज कराई गई है। मॉल के जनरल मैनेजर समीर वर्मा ने पूरी घटना पर कहा कि मॉल में नमाज पढ़ने वाले हमारे कर्मचारी नहीं थे, हमने इसकी अच्छे से जांच करा ली है, नमाज पढ़ने वाले लोगों की पहचान कराई जा रही है। उन्होंने कहा मॉल में किसी संगठित धार्मिक या प्रार्थना की अनुमति नहीं है। लुलू मॉल का विवाद रोकने में नाकाम कई पुलिसकर्मियों और अधिकारियों पर भी कार्रवाई की गई है। सुशांत गोल्फ सिटी के इंस्पेक्टर अजय प्रताप सिंह को लाइन हाजिर करते हुए शैलेंद्र गिरी को जिम्मेदारी सौंपी गई है। वहीं DCP साउथ गोपाल कृष्ण चौधरी को हटाकर DCP ट्रैफिक सुभाष चंद्र शाक्य को DCP साउथ की जिम्मेदारी सौंपी गई है। मामले में पुलिस अधिकारियों का कहना है कि शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए पुलिस जवानों को निर्देश दिए गए हैं, कोई भी संदिग्ध गतिविधि देखने पर तत्काल प्रभाव से जरूरी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल के लिए इतना ही, बने रहिए डेली इंसाइडर के साथ। यूपी और देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए गूगल प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज ऐप डेली इंसाइडर।